ये जो क्यूनिफॉर्म है ये वर्ड इसका स्पेशल नेम है, ये देख सकते हैं आप, ये है आपकी अल्नार कार्पल। तो अल्नार कार्पल हमारी बहुत इरेगुलर बोन है, बाकियों से ज़्यादा इरेगुलर होती है, और जब आप इस बोन को देखेंगे तो ये हमारी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, मतलब कि इलॉन्गेटेड आपको ये देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ ये हमारी लेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है, प्रॉक्सिमल रो की। लेटरल एस्पेक्ट पे मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये मीडियल एस्पेक्ट है और ये वाला आपका लेटरल एस्पेक्ट है। तो ये वाली आपकी क्या है, प्रॉक्सिमल रो है, और ये वाली आपकी क्या है, डिस्टल रो है। तो प्रॉक्सिमल रो के लेटरल एस्पेक्ट पर आपकी क्या प्रेजेंट है, अल्ना बोन, अल्नार कार्पल बोन आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको कि प्रॉक्सिमल रो की लेटरल एस्पेक्ट पर अल्नार कार्पल बोन प्रेजेंट है, और ये कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर हम जनरली दो सर्फेसिस की ही बात करते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल, बाकी तो इसमें बॉर्डर टाइप हमारा फॉर्म होता है, बाकी सर्फेसिस इसमें प्रोमिनेंट नहीं होती। तो दो ही सर्फेसिस की बात करेंगे, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो देखिए, जब मैं डॉर्सल सरफेस की बात करूंगा अल्नार कार्पल की, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो डॉर्सल सरफेस होती है, ये वाली डॉर्सल सरफेस है, और ये वाली डॉर्सल सरफेस हमारी आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, अल्ना के साथ। अब जब मैं अल्ना को आपको बता रहा था, ये है अल्ना, तो जब मैं अल्ना बता रहा था तो मैंने आपको बताया था स्टाइलॉयड प्रोसेस, स्टाइलॉयड प्रोसेस ये वाली है स्टाइलॉयड प्रोसेस। स्टाइलॉयड प्रोसेस एक लॉन्ग इलोंगेशन था ना, तो वो स्टाइलॉयड प्रोसेस इसी की डॉर्सल सरफेस के अंदर आ जाती है। देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, स्टाइलॉयड प्रोसेस डॉर्सल सरफेस के अंदर आ गई है अल्ना के, ठीक है, तो यहां पर ये आर्टिकुलेट कर रहा है। इसके बाद बात आती है वेंट्रल सरफेस की, तो जब मैं वेंट्रल सरफेस की बात करूंगा तो ड्रॉसल सरफेस के जस्ट अपोजिट हमारी ये वाली क्या हो जाएगी, वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस आप देख सकते हैं किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, आर्टिकुलेट कर रही है फोर्थ कार्पल के साथ, फोर्थ कार्पल के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और यहाँ पर हमारा एक इलोंगेटेड फैसेट भी प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पर, जो कि हमारा एसेसरी कार्पल बोन के लिए प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारी एसेसरी कार्पल बोन अटैच हो सके अल्ना से, ये वाले। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई अल्नार कार्पल की। अब कौन सी रह गई हमारी, लास्ट है प्रॉक्सिमल रो की लास्ट बोन एसेसरी कार्पल। तो देखिए एसेसरी कार्पल का जो हमारा स्पेशल नेम है वो है पिसीफॉर्म। ये स्पेशल नेम मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है, या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, या फिर जो आपके लास्ट एग्जाम होंगे, एक्सटर्नल्स होंगे, वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि इनके स्पेशल नेम्स क्या होते हैं। और देखिए, जो भी मैं चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, 99.9% जो आपकी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर अगर आप देख लेते हैं और सारी चीज़ें आप रिटेन कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ 0.1% चांसेस हैं कि टीचर अगर बहुत ही ज़्यादा डीप पूछना चाहें तो वो पूछ लें, ठीक है, नहीं तो अगर आप ये वीडियो भी कंप्लीट देखकर और इसे रिटेन कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बात आती है एसेसरी कार्पल की। तो एसेसरी कार्पल जो है वो आपको रफली हमारी राउंडेड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ये इस वाली बोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको रफली एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही सर्फेस की बात करें क्योंकि ये बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है, तो एक ही सर्फेस होती है जो एंटीरियर सर्फेस है, और उसके ऊपर हमारा कॉनकेव आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होता है ताकि वो हमारा अल्ना के साथ क्या कर सके, अटैच हो सके, जैसे कि हमारा वेंट्रल सरफेस ऑफ अल्नार कार्पल बोन के ऊपर प्रेजेंट था। तो ऐसे करके हमारी एसेसरी कार्पल जो बोन है वो हमारी अटैच हो जाती है। प्रॉक्सिमल रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो प्रॉक्सिमल रो के अंदर हमने क्या पढ़ा, रेडियल कार्पल, इंटरमीडिएट कार्पल, अल्नार कार्पल और एसेसरी कार्पल, ये हमारी फोर बोन्स हमने यहाँ पर प्रॉक्सिमल रो के अंदर कंप्लीट कर ली। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा डिस्टल रो। डिस्टल रो के अंदर भी हमें दो बोन्स पढ़नी है, ये बोन्स हैं हमारी सेकंड एंड थर्ड फ्यूज्ड और फोर्थ, ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो हैं ये हमारी फ्यूज्ड होती हैं, ये अलग अलग बोन्स नहीं होती, ये फ्यूज्ड होती हैं, और फोर्थ बोन है वो हमारी अलग होती है। तो सेकंड एंड थर्ड देख सकते हैं आप, सेकंड एंड थर्ड कार्पल जो है वो आपकी ऐसी प्रेजेंट होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर भी हमारी सिक्स सर्फेसिस होती हैं बाकी बोन्स की तरह। और अब जो सिक्स सर्फेसिस हैं वो इसके अंदर हमारी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, डॉर्सल, वेंट्रल, यही सर्फेसिस हैं, और कोई नई सर्फेस तो नहीं होती। और ये बोन हमारी फोर्थ कार्पल से भी
बड़ी होती है, ठीक है, लार्जर इन साइज होती है, और इसके साथ ही हमारी मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला साइड कौन सी है, ये वाली साइड आपकी मीडियल है और ये वाला आपका क्या है, लेटरल। तो मीडियल साइड पर हमारा कौन कौन प्रेजेंट था, मीडियल साइड पर आपकी रेडियल कार्पल मैंने बताई थी, इसी के साथ सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल भी मीडियल एस्पेक्ट पर भी आपकी प्रेजेंट होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं सरफेसेस की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटीरियर और मीडियल सरफेस की। ये वाली जो आपको सामने दिख रही है, ये वाली कौन सी सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, ठीक है, दिस वन इज एंटीरियर सरफेस। और एंटीरियर सरफेस के अलावा मीडियल सरफेस जो हमारी होगी वो हमारी ये वाली सरफेस होगी। तो मीडियल सरफेस और एंटीरियर सरफेस की जब मैं बात करता हूँ तो ये दोनों सरफेस नॉन आर्टिकुलर होती हैं, इट मीन्स ये किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, स्मूथ होती हैं और आप देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा डिमार्केशन नहीं है दोनों के बीच में कि कोई एज प्रेजेंट हो, नहीं, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बोन है। तो सरफेस आपने देख ली कौन कौन सी सरफेस, एंटीरियर और मीडियल। इसके बाद बात आती है लेटरल सरफेस की। तो जो लेटरल सरफेस है वो हमारी आर्टिकुलर सरफेस होती है, ये वाली जो सरफेस है दिस वन, ये वाली हमारी क्या है, लेटरल सरफेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाली हमारी लेटरल सरफेस है। तो लेटरल सरफेस आपकी आर्टिकुलेट किसके साथ कर रही है, फोर्थ कार्पल, फोर्थ कार्पल के साथ आपकी आर्टिकुलेट कर रही है। तो आपकी लेटरल सरफेस हो गई। लेटरल सरफेस के बाद आती है आपकी डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस जो होती है, डॉर्सल सरफेस कौन सी है, ये वाली है आपकी डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस वन, तो ये वाली है आपकी डॉर्सल सरफेस। अब डॉर्सल सरफेस हमारी किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, डॉर्सल सरफेस हमारी आर्टिकुलेट कर रही है रेडियस के, रेडियल कार्पल के साथ और इंटरमीडिएट कार्पल के साथ। देखिए क्या होता है डॉर्सल सरफेस पर, डॉर्सल सरफेस हमारी जो होती है वो हमारी कॉनकेव होती है पहली बात, और वो हमारी दो पार्ट्स के अंदर, दो अनइक्वल हाफ के अंदर हमारी डिवाइडेड होती है, एक रिज इन दोनों पार्ट को डिवाइड करती है और ये दोनों पार्ट अनइक्वल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये वाली जो रिज है ये इन दोनों पार्ट को डिवाइड कर रही है और ये दोनों पार्ट अनइक्वल होते हैं। अब जो एक हाफ है इस अनइक्वल पार्ट का वो हमारा आर्टिकुलेट करता है रेडियल कार्पल के साथ, ये वाला पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा आर्टिकुलेट करता है इंटरमीडिएट पार्ट के साथ। तो यहाँ पर आप डॉर्सल सरफेस देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है वेंट्रल सरफेस की। तो वेंट्रल सरफेस ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं, फ्लैट सरफेस होती है और आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लार्ज मेटाकार्पल के साथ, ठीक है। ये चीज़ वैसे आप एक तरह से देखें तो समझने वाली भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि लार्ज मेटाकार्पल बोन के साथ आपकी कौन सी सरफेस किस बोन की आर्टिकुलेट करती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आप इसमें क्या लिखेंगे या क्या मार्क करेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल बोन की वेंट्रल सरफेस आर्टिकुलेट करती है लार्ज मेटाकार्पल बोन के साथ। अब जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो सरफेस है ये वाली है वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारी क्या कर रही है, ये हमारी आर्टिकुलेट कर रही है लार्ज मेटाकार्पल बोन के साथ, दिस वन इज लार्ज मेटाकार्पल, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब हमारी ये बोन कंप्लीट हुई, इसके बाद बात आती है फोर्थ कार्पल की, जो कि जिसे हमारा स्पेशल नेम क्या है, अनकी फॉर्म। और मैं सेकेंड एंड थर्ड का स्पेशल नेम आपको बताना भूल गया, इसका नेम था ओस मैग्नस, ठीक है, याद रखिएगा OSMAGNUS, ओस मैग्नस। और फोर्थ कार्पल का है अनकी फॉर्म, UNCIFORM। तो जो हमारी फोर्थ कार्पल बोन है, ये वाली फोर्थ कार्पल बोन है, ये हमारी लेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है कार्पस के। कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये वाला आपका मीडियल एस्पेक्ट है, ये वाला आपका लेटरल एस्पेक्ट है और यहाँ पर आपकी ये फोर्थ कार्पल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो फोर्थ कार्पल बोन आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होगी और इसकी भी हमारी जैसे कि दूसरी बोन्स हैं यहाँ पर भी हमारी सरफेसेस वही होंगी। एंटीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर नॉन आर्टिकुलर होती हैं और कॉन्टिन्यूस होती हैं। दिस वन इज एंटीरियर सरफेस और ये वाली हमारी लेटरल सरफेस है, तो ये नॉन आर्टिकुलर होती हैं, किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। यहाँ पर ये वाली एंटीरियर सरफेस है और ये वाली लेटरल सरफेस है और ये हमारी कॉन्टिन्यूस होती हैं। इसके बाद अगर मैं मीडियल सरफेस की बात करूं तो मीडियल सरफेस हमारी आप देख सकते हैं आर्टिकुलेट कर रही है, मीडियल सरफेस किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, ये आर्टिकुलेट कर रही है सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड बोन के साथ, जो फ्यूज्ड कार्पल बोन जो हमने अभी पढ़ी। इसके बाद बात आती है पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस हमारी इररेगुलर होती है, ये वाली आपकी आप कह सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस है। बेसिकली ऊपर आप जब देखेंगे ये तो आपको वेंट्रल सरफेस दिख रही है, ठीक है। अगर आप अल्नार, इंटरमीडिएट और रेडियल को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्टीरियर सरफेस भी दिख जाएगी।
तो ये पोस्टीरियर सरफेस आपकी रेगुलर होती है, और जब मैं बात करता हूँ डोर्सल सरफेस की, फोर्थ कार्पल बोन की, तो डोर्सल सरफेस भी आपकी आर्टिकुलेट करती है इंटरमीडिएट कार्पल के साथ और अल्नार कार्पल के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ कार्पल बोन भी कंप्लीट होती है।